हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज है मंडे और सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ब्लॉग तो बना लेती हूँ गाइस, बट एडिट करके जो आपके साथ शेयर करूंगी उसी का टाइम नहीं होता है मेरे पास। तो मैं अभी हो गई हूँ रेडी, तो रियान के स्कूल में जा रही हूँ रियान को लेने। उसके बाद रियान को लेके घर आने के बाद ना थोड़ा सा मार्केट जाऊंगी। तो आप गाइस ब्लॉग पे बने रहना, जो भी आज दिन भर करूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइस, सुबह का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, वो बताना आपको भूल रही थी मैं। तो मैंने सोचा मेरे गाइस को तो बताना बनता है ना, क्योंकि मैं दिन भर की बात आपके साथ शेयर करती हूँ। तो घर का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है। अभी देखो रेडी हो गई हूँ, ये वाला सूट पहना है। आजकल ना ठंडा जो है कम हो गया है, तो मैं सूट पहनी हूँ ना तब भी मुझे ठंड नहीं लग रहा है। तब भी मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर जाऊंगी तो एक स्वेटर पहन ही लूंगी हल्का वाला। और मुझे ना आज अपने मायके की बहुत ज्यादा याद आ रही है, मम्मी की, धीती की, भैया भाभी की। तो आज मन ना कैसे अंदर से रो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत याद आ रही है सबकी। और क्या कर सकते हैं, है ना, बहुत दूर हो गया है अब घर। अगर याद भी आए तो थोड़ा सा देख के आऊँ, वो भी नहीं कर सकती हूँ। चलते हैं गाइस मन को ठीक करके, तो आप गाइस मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहना। देख सकते हो मेरे फ्रेंड लोग, ये रहा, और रियान को मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ। सब हेलो बोलो। तो गाइस, मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ा सा मार्केट आऊंगी, तो मार्केट तो नहीं जा रही हूँ, तो आई हूँ विशाल में, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ से थोड़ा बहुत हम लोग शॉपिंग करेंगे। तो ये सारे बच्चे देखते हैं किसको क्या पसंद आता है, फिर चलते हैं गाइस अंदर। करो बैग दोनों जमा कर, नहीं पर्स लेके चलो, ये लो। रियान ने ले लिया बास्केट। हाँ क्या, ये देखो गाइस कुर्ती बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पे। अरे सब है, ये देखो बास्केट भरने वाला है। ये लविश के लिए लिया। हाँ देख, मैं तीन सेट है, एक सेट में। अच्छा, शोर क्यों मचा रहे हो? हाँ नायरा कट का है ना, देखो सामने। अरे चुप रहे, देख लो अपने में। सच में यार। हाँ गाइस, तो मैं आ गई हूँ घर पे और आके कपड़ा चेंज कर लिया है। तो अभी ना थोड़ा सा आराम करने के लिए मैंने टी शर्ट पहन लिया है, लेकिन मैं अपने रूम पे ही पहनती हूँ टी शर्ट। और जैसे मैं नीचे जाती हूँ ना, तो नाइटी या साड़ी जो भी है पहन लेती हूँ। तो अभी मैं अपने रूम पे हूँ, तो ये वाला टी शर्ट पहन लिया है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर खोल दूँगी। और रियान ने देखिए अपने लिए क्ले लिया है, तो आके ही तुरंत घर पे आके खेलने लगा है क्ले से। देखो ये वाले कलर्स के क्ले, ये देखो इसके बहुत सारे ये वाले। हाँ, स्टारे क्ले से बनाना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे इसमें दिया है फेस स्टार, तो ये सब बनाएंगे क्ले से। मैं क्या क्या सामान लेके आई वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको गाइस। देखिए गाइस, मैंने बोतल लिया है, अभी गर्मी आने वाला है तो बोतल चाहिए होगा। तो ये 100 का 3 था, तो लिया है। बोतल बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसका डिजाइन भी बहुत सुंदर था। तो मेरे फ्रेंड लोगों ने बोला कि ये बोतल लो कल्पना, अच्छा लग रहा है। और मैंने एक फाइल लिया है, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए। जैसे रियान के स्कूल से जितना भी मार्कशीट वगैरह मिलेगा ना, सब इस फाइल के अंदर रखूंगी मैं। तो हस्बैंड जी ने स्पेशली मुझे इसलिए विशाल जाने के लिए बोला था, ये फाइल लेने के लिए। ये वाला टी शर्ट जो है रियान के लिए लिया है, तो गर्मी के टाइम जो ये टी शर्ट बहुत ही अच्छा लगेगा पहनने के बाद। तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये कलर, तो ये वाला टी शर्ट लिया है, रियान को भी पसंद आया। और ये देखिए मैंने अपने लिए एक चप्पल लिया है गाइस। तो ये चप्पल ना मुझे स्पेशली जब मैं लड़की थी ना, तब मैं ये वाली चप्पल पहनती थी, तो अब मुझे मिलती नहीं है। तो आज विशाल में दिख गया, तो मैंने ले लिया आज ये वाला चप्पल मैंने अपने लिए। और रियान ने अपने लिए एक बॉक्स लिया है, और इसमें रियान को पेंसिल वगैरह रखना है। पहले भी लिया था बट वो महंगा था, और रियान ने अच्छे से संभाल के नहीं रखा, तो इस बार थोड़ा सा सस्ते में दिलाया रियान को। तो ये भी अच्छा लग रहा है, शाइन बहुत ही अच्छा है। हाँ तो ये रख देती हूँ,
तो इतना सही संभाल लिया। तो गाइस, तो पानी आ गया है तो मैंने मोटर चला दिया है और ये देखिए बोतल का उद्घाटन भी कर लिया है। तो अभी मैं पानी भर के रख दूंगी अपने रूम पे बोतल को। और ये देखिए आरओ का पानी भर रही हूँ मैं। अभी गाइस हो गया है शाम और शाम के टाइम हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया है और अभी आई हूँ मैं डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ दाल और मेथी साग फ्राई, तो भाजी भी कह सकते हो, मैं फ्राई बोल रही हूँ। अभी भाजी कैसे बनाती हूँ वो भी थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। मेथी साग खाना ना गाइस हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ठंड के टाइम तो बहुत ही सस्ते में मिल जाता है मेथी साग, तो ज़रूर खाना। तो देखिए मैंने तेल पे जीरा और लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगा दिया, उसके बाद एक आलू काट के डाल दिया। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो आलू देखिए हल्का सा फ्राई हो गया है। अब जो साग मैं काट के रखी हूँ तो इसको काट के अच्छे से धो के फिर रखी थी, तो इसे डाल दूँगी। और इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें नमक, हल्का ही नमक डालना क्योंकि साग फ्राई करने के बाद ना कम हो जाता है, तो इसीलिए कम डालना। और देखिए उसके बाद मैंने हल्दी और जीरा पाउडर धनिया पाउडर एक साथ ऐड कर दिया। अब इसके साथ मिला के साग के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी ढक ढक के। और साग देखिए हमारा फ्राई हो गया, कम हो गया है और इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। तो बहुत ही सिंपल है मेथी साग फ्राई करना और टेस्टी भी लगता है। हस्बैंड जी आ गए थे तो हस्बैंड जी के लिए बनाया चाय। गाइज तो आज है नेक्स्ट डे और फिर से सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी रियान को सुबह सुबह मैंने रेडी किया है, अभी सुबह के 7:30 बज रहा है। और ये देखिए सुबह सुबह इसका मूड कुछ ऐसा रहता है, बहुत ही अपसेट रहता है। और रियान के लिए मैंने ये देखिए पूड़ी और आलू की सब्जी बनाया है, बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। लेकिन इसे ये भी नहीं खाना है, इसे पास्ता फिर मैगी फिर बर्गर ये सब बना के दो, हैप्पी हो जाएगा। बट ये जंक फ्रूट है, अब मैं इसको ये सब नहीं दे सकती ना, मैम डांटेगी मुझे। और मैंने इसे हेल्दी चीज़ बना के दिया तब भी अनहेल्दी हो गया, क्योंकि पूड़ी बना के दिया मैंने लेकिन तब भी नहीं खा रहा है। कि मैंने सोचा कि आज खुश होके खाएगा, क्योंकि हस्बैंड जी के लिए मैंने राजमा चावल बनाया है और रियान के लिए स्पेशली इसके लिए मैंने पूड़ी और आलू की सब्जी बनाया है। बताओ बच्चे के लिए इतना करो तब भी बच्चे कहते हैं ये गंदा है। देखिए गाइस मैंने लिया है सुबह के नाश्ते में पूड़ी और आलू की सब्जी, और यहाँ पे मम्मी भी खा रही है आलू की सब्जी के साथ पूड़ी। अच्छा लग रहा है मम्मी आलू की सब्जी? वैसे गाइस मम्मी जो है आलू बहुत ही कम खाती है, शुगर है इसलिए, तब भी कभी कभार थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पूरी और तलूंगी गाइस। तो यहाँ पे तेल देखिए गर्म होने के लिए रख दिया है, चाय मेरा गर्म हो रहा है। और ये देखिए सुबह ना मैंने राजमा की सब्जी बनाया था, राजमा की सब्जी ये देखिए, तो ये है। और ये रहा राइस कुकर में, तो ये मटर पुलाव बनाया मैंने। तो सुबह का नाश्ता करने के बाद, घर का ऑलमोस्ट सारा काम करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं रेडी होने के लिए, क्योंकि रियान को स्कूल लेने जाऊँगी। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मैं कैसे रेडी होकर रियान को लेने जाती हूँ। तो बहुत ही सिंपल मेकअप करती हूँ, क्योंकि स्कूल जाना होता है तो हल्का रेडी ना होकर भी जाऊँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले देखिए एक ऑयली सा क्रीम लगा लिया, उसके बाद फेयर एंड लवली लगा लिया, अब लिपस्टिक बिंदी और सिंदूर लगा के बाल को कॉम कर लूँगी। तो बहुत ही सिंपल मेकअप रहता है, आप भी अगर ऐसे मेकअप करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो करके फिर मेकअप कर सकते हो। तो देखिए तो गाइस तो मैं हो गई हूँ रेडी, तो स्वेटर पहन लिया है और सिंपली मेकअप करती हूँ आपको दिखाया है। और आपको अगर अच्छा लगा है तो आप भी ऐसे ही मेरे तरह ट्राई कर सकते हो सिंपल मेकअप। स्लाइड करो रियान। सो यहाँ पे देखिए गाइस मैं रियान के स्कूल आ गई हूँ रियान को लेने के लिए, और बच्चे सारे यहाँ पे धूप में खेल रहे हैं छुट्टी के टाइम। तो मैंने कहा कि चलो तुम भी थोड़ा सा खेल लो, उसके बाद मैं चलूँगी तुम्हें लेके घर। और अभी मैं चल रही हूँ गाइस। तो देखिए आते वक्त मैं यहाँ से फ्रूट खरीदी हूँ मम्मी के लिए, यहाँ पर नारियल पानी लिया, और आते टाइम देखा यहाँ पर रोज़ लगा हुआ था तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो फिर मैंने इसका भी वीडियो बना लिया। और आज रोज डे भी था, तो आप सभी को हैप्पी रोज डे। गाइस रियान को अभी मैं पिलाऊंगी नारियल पानी, तो रियान के लिए लेके आई हूँ। नहीं मेरे नहीं, नहीं। अच्छा पिटाई करूंगी मैं तुम्हें, जो तुम बोलोगे वो थोड़ी ना होगा।
ये पहले एक दूंगी मम्मी को। ग्रीन वाला फिर भी तमरा। तो आपका भी ग्रीन वाला ही है। कौन है? देखिए घर आते ही रियान गाइस खेल रहा है क्ले से। तो ये क्ले जो है ना कल लेके आया था रियान। अभी आरोही को बुला लिया है रियान ने। आरोही हाय कर दो। हाय हाय बोलो। अच्छा आरोही आप कितनी ईयर की हो? मैं तो 5 साल की हूँ। 4 साल की हो आप? अच्छा आपको कोई पोयम आता है आरोही? सब कुछ आता है। हाँ। क्या क्या आता है बताना? ABCD, EFG, HIJ, NOV, QRS, TUV, WXYNG। अच्छा और पोयम बताओ। पोयम मछली जल की रानी ये वाला। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो मर जाएगी, बाहर निकलो तब मर जाएगी, डर जाएगी। डर जाएगी। बाहर निकालो तो मर जाएगी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी।